सो गाइस, कुछ बैटरी टिप्स मैं यहाँ पर आपको दूंगा। सबसे पहला चीज़ है, आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर जाना है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में। तो ये वाला कहाँ से आया है, एक्चुअली बैटरी एंड परफॉर्मेंस में है सेटिंग्स। सो पहले से मैं दिखाऊंगा आपको कि पहले हम सेटिंग्स पर जाएंगे एंड यहाँ से बैटरी एंड परफॉर्मेंस। तो बैटरी एंड परफॉर्मेंस में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन एंड यहाँ पर सेटिंग्स का जो मार्क है, इस पर टैप करना है आपको। तो टैप करते ही आपको यहाँ पर क्लियर कैश एंड डिवाइसेस लॉकड करके है, तो इस चीज़ को नेवर जो है अभी बाय डिफ़ॉल्ट इस चीज़ को आपको रखना है इन 30 मिनट्स या फिर इन 10 मिनट्स रखिए। मतलब कि 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली जो भी ऐप्स रहते हैं उसका कैश मेमोरी जो बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं उसका क्लियर कर देगा एंड उससे आपका बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो वैसे ही टर्न ऑफ मोबाइल डेटा एंड डिवाइसेस लॉक, ये आपके प्रेफरेंस पर है। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप एवरी 10 मिनट्स रख सकते हैं, मोबाइल डेटा ऑफ होगा जब आप लॉक करेंगे स्क्रीन को। तो ये एक एडवांटेज है। यहाँ पर बैटरी सेवर है, देखिए ढेर सारे ऐसे फीचर्स है, जैसे कि अभी मैं ऑन करूँ इस बैटरी सेवर को तो रिस्ट्रिक्ट द क्वांटिटी ऑफ सिस्टम ऐप्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, बेसिकली बैकग्राउंड में ऐप्स रन हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा अननेसेसरीली, तो उस चीज़ को वो फ्रीज कर देगा ऐप्स बैकग्राउंड में, तो फालतू में ऐसे ऐप्स बिल्कुल रन नहीं होंगे। तो इससे आपको यहाँ पर येलो कलर सॉर्ट ऑफ ऑरेंज कलर है मार्क, तो अगर वो दिखाई दे रहा है तो बैटरी सेवर मोड ऑन है करके, अगर मैं स्विच ऑफ करूँ तो वो चला जाएगा, वो एक इंडिकेशन है। टर्न ऑफ व्हेन चार्ज, टर्न ऑफ व्हेन बैटरी 60% और फुल्ली चार्ज, तो ये वाला भी आप रख सकते हैं। लेट्स से कि मैं बैटरी सेवर ऑन करता हूँ तो बैटरी 60% से ज़्यादा है तो बैटरी सेवर ऑन नहीं होगा, अदरवाइज़ वो ऑन होगा। तो ये एक चीज़ अच्छा है रेडमी नोट 8 प्रो में मिलता है। शेड्यूल टाइम टू स्विच बिटवीन मोड्स, तो बैटरी सेवर कब ऑन करना है, लाइक चार्ज नहीं करना चाहते, इमरजेंसी में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो रात को अगर चार्जिंग आउटलेट नहीं है तो शेड्यूल करके आप रख सकते हैं, रात को बैटरी सेवर ऑन रहेगा, सुबह होते ही बैटरी सेवर ऑफ हो जाएगा। वो एक एडवांटेज है, वेरी नाइस फीचर्स है, अगर आप यूटिलाइज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप आपको मिलने वाला है। बैकग्राउंड बैटरी सेवर है, यहाँ से आपको ऐप्स पता चलेगा कि देखिए स्लीपिंग ऐप्स मतलब कि 4 स्टॉप हुआ है, एंड यहाँ से शो सिस्टम ऐप्स, जैसे कि अगर मैं क्रोम यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी करके है, तो इस चीज़ पर आप टैप कर सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार यूज़ नहीं करता हूँ क्रोम, तो ये इसका ज़रूरत नहीं है कि वो हमेशा बैकग्राउंड में रन होता रहे। वैसे ही डेली हंट है, इस चीज़ को भी हम अभी क्लोज कर देते हैं टू सेव पावर। तो ऐसे जो भी ऐप्स है वो आप अगर रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं उस चीज़ को आप रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी कर देना चाहिए, इससे ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको ज़रूर मिलेगा। इन सब चीज़ों के अलावा और एक कुछ चीज़ है इम्पॉर्टेंट, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बटन्स एंड जेस्चर्स में जाता हूँ, लेट्स से सर्च करेंगे हम बटन्स एंड जेस्चर्स, बटन शॉर्टकट्स, यस बटन शॉर्टकट्स में यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लोज करंट ऐप करके है, लॉन्ग प्रेस दी बैक बटन, तो इस चीज़ को वेरी इंपॉर्टेंट है रखना, लॉन्ग प्रेस दी बैक बटन करके रखिए। मतलब कि लेट्स से अगर मैं कैमरा ऐप को ऑन करके यूज़ कर रहा हूँ अभी कैमरा ऐप, तो प्रेस एंड होल्ड द बैक बटन तो फोर्स क्लोज हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको मिलता है, बेकार में ऐसे नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे कुछ ऐप्स से। तो जो भी ऐप्स आप चाहते हो कि वो फोर्स स्टॉप हो, अगर मैं इंटरनेट ब्राउज़र ओपन किया हूँ तो इस चीज़ को फोर्स स्टॉप करने के लिए टैप एंड होल्ड, जब भी मैं फिर से इंटरनेट ओपन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो अनइंस्टॉल होगा। तो बैकग्राउंड एक्चुअली फोर्स स्टॉप रहेगा एंड बैकग्राउंड से आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं आते रहेंगे उस ऐप से। तो दैट्स वन ऑफ द वेरी नाइस फीचर है, अगर आप बैटरी सेव करना चाहते हैं तो फोर्स स्टॉप एप्लीकेशन यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे टिप्स है बैटरी सेविंग टिप्स, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे ये भी बताइए कि कितना फास्ट आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, अगर आपने टाइम सेट करके नोटिस किया हो तो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।